देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नहर न खुलने से किसानों में आक्रोश, आत्महत्या करने को तैयार। सरकार कहती है किसानों को, किसान हितैषी सरकार। किसानों का कहना है कि अगर आज नहर नहीं खोली तो कल करेंगे चक्का जाम, किसानों की फसल सूखने के कगार पर। सरकार अपने आप को किसान हितैषी सरकार बता रही है। एक और वहीं किसानों का हाल बेहाल है। खनिया थाना के ग्राम देवखो के आसपास के गांव के किसानों की इन दोनों हालत बहुत ही खराब है, क्योंकि यहां पर सिंचाई का एकमात्र साधन बुधना डैम की नहर है और बुधना डैम की नहर से किसान खेतों में सिंचाई करते हैं। पर इन दिनों किसानों को नहर का पानी न मिलने के कारण अब किसानों की फसल सूखने के कगार पर आ चुकी है। आला अधिकारियों से कई बार चर्चा की तो वह इधर की उधर बातें करके टाल मटोल कर देते हैं और नहर में पानी छोड़ने से मुकर जाते हैं। वहीं किसानों ने यह भी बताया कि करीब 5 वर्ष से नहर का साइफन भी टूटा हुआ है, जिससे पानी बहुत बर्बाद होता है। ना तो नहर का साइफन सही कराया गया और ना ही नहर में पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में अब किसानों का कहना है कि अगर हमारी फसल सूखती है तो हम आत्महत्या करेंगे, क्योंकि जब खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो आत्महत्या तो करनी ही होगी। वहीं किसानों ने यह भी कहा कि अगर आज नहर में पानी नहीं छोड़ा जाता है तो कल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। जब हमारी टीम ने इस संबंध में नहर के एसडीओ विकास तिवारी से बात तो उनका कहना था कि बुधना डैम में पानी न होने के कारण हम नहर में पानी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बुधना डैम से खनिया थाना नहर के लिए जल आपूर्ति की जाती है। जब हमसे सामने आने की बात कही तो वह शिवपुरी जिला मुख्यालय पर हैं, इसका बहाना करते हुए फोन काट दिया। अब ऐसे में लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही होना तय है, क्योंकि अगर आज नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो कल किसान हाईवे पर चक्का जाम करेंगे और किसान हितैषी सरकार को जगाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पानी पूरा वेस्टेज कर दिया, अब किसानों की फसल सूख रही, किसान क्या करें बेचारे। इन्होंने क्या किया कि साइबन तो फूट ही है, पानी उसमें ज़्यादा है और 24 घंटा नहर खुली खुली, ठंडों में पानी कोई बराबर नहीं। किसान रात भर पानी मतलब वेस्टेज होता रहता है, न गेट बंद करें, एक बार खोल दिया सिस्टम। अब आपने पूछा नहीं क्यों नहीं खोली जाए नहर? पूछा सर, उसमें कहीं ना अलग पानी है और उसके बाद पानी नहीं। सर हम जो फसल बहे इसलिए, और अभी जो फसल बही थी तो इनने नहर खोली थी, इन्हें चांस दिया था कि इतनी फसल बह लो है, तो इसलिए हमने इतनी गेहूं डाट दी है उसमें, और अब यहाँ पे नहर बंद करके रह गई है। पानी उसमें इतना है कि अब पानी बहुत चल सकता है उसमें। तो अगर नहर नहीं खोली तो फिर क्या करोगे आप? क्या करेंगे साहब, वही वही हमारी खेती है, वही रोजी रोटी है, हड़ताल करेंगे और क्या करेंगे, भूख हड़ताल करोगे। तो आपने कोई अधिकारी से बात नहीं की क्या? अरे साहब अधिकारियों से की, वो कहते हैं कि वो खनिया थाने को देना, उसमें इतना पानी है कि अभी के 10 दिन नहर भी चल सकती है। साहब जो समस्या है साहब, फसल वही है, वो 5 फट तला भरा, फसल सूख जाएगी फिर क्या खाएंगे? तो क्या नहर में पानी नहीं आ रहा? कब से नहीं आ रहा? आज 15 दिन से बंद कर देंगे नहर, बंद है। तो आपने जो इसके प्रभारी उनसे बात नहीं की? कहीं से बेका कर पानी नहीं खोलने नहीं चाहते। अच्छा हाँ, बहुत नुकसान हो रहा है, आपकी पूरी जनता मर जाएगी। फसल सूख रही है? हाँ फसल सूख रही है। तो अगर पानी नहीं आया तो क्या करेंगे फिर आप? अब कहा है फिर, कर्मियों को विचार कहा है, अधिकारियों से बोल रहे नहीं खोल रहे, फिर क्या करें साहब?